नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, स्वागत करते हैं आप सबका। दोस्तों, बुल रन में प्राइस क्या हो सकता है? जो पोर्टफोलियो हमारे पास कॉइन्स है, लाइक पेपे कॉइन, बात करेंगे दोस्तों। पेपे कॉइन ऑफ द वन ऑफ द टॉप गेनर बन सकता है कैश बुल रन में, क्योंकि अगर हम देखेंगे कंटिन्यूअसली पेपे कॉइन ट्रेंडिंग पे, पेपे कॉइन का प्राइस हर एक दूसरे दिन अगर आप देखोगे 10, 20, 30, 40, 50% तक का पंप के साथ है। आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पेपे कॉइन आने वाले इस बुल रन में क्या कमाल कर सकता है। बात करेंगे दोस्तों फ्लोकी इनू को लेके क्या कुछ चल रहा है, क्या फ्लोकी इनू भी इस वक्त इस बुल रन में काफी अच्छा कर सकता है, क्योंकि लास्ट बात करेंगे लास्ट 6 महीने में फ्लोकी इनू ने काफी तगड़ा मासिव रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करने वाले हैं दोस्तों आज के वीडियो में एलटीसी की। एलटीसी का प्राइस कंटिन्यूअसली जंप कर रहा है, सो एलटीसी को देखेंगे। एंड आखिरी में इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेरा लूना क्लासिक की। क्या टेरा लूना क्लासिक का फ्यूचर हो सकता है 2024 बुल रन में? सो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को देखते हैं एंड क्या कुछ अपडेट्स है, सब कुछ धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव खट्टी मीठी बातों से शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो थाई सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ने यहाँ पर कस्टमर के लिए, अगर मैं बात करूं मतलब जैसे कि आप देख सकते हो, लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस को पूरी तरीके से क्लोज बैन कर दिया है। एंड इसको पीछे का रीजन अगर आप देखोगे सेल्सियस, एंड अगर बात करेंगे जैसे कि ब्लॉकीफाई ने यहाँ पर बैंकरप्सी फाइल किया था, तो थाई गवर्नमेंट या फिर थाई कंट्री से ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज है। लेकिन इसके साथ पॉजिटिव न्यूज भी है, लाइक अगर हम बात करेंगे साउथ कोरिया वन ऑफ द जायंट है, एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे साउथ कोरिया एशिया में, अगर आप देखोगे साउथ कोरिया इंडिया या फिर जापान, बात करेंगे दोस्तों चाइना, ये सब बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो कि क्रिप्टो में जिसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है एंड जिन पे कि बहुत सारे लोग हैं इन कंट्रीज से। एंड जैसे कि देख सकते हो साउथ कोरिया अभी अगर आप देखोगे क्रिप्टो को लेके बिल मतलब यूजर बिल प्रोटेक्शन फाइल लेकर बात करेंगे क्रिप्टो फ्रेमवर्क साउथ कोरिया में तैयार, दैट्स मीन्स इसकी साउथ कोरिया से कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेके, मतलब जैसे कि इंडिया में हमें देखने मिल रहा है कि इंडिया में 30%, 40%, 20%, लगभग अगर हम बात करेंगे 30% एक फिक्स अमाउंट हो चुका है जिसपे कि क्रिप्टो पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो स्लोवाकिया ने यहाँ पर क्रिप्टो टैक्स रेट को जैसे कि 39% से डिक्रीज करके 7% तक, एंड ये कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव मूव है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो मतलब क्रिप्टो अप टू 240 यूरोस के अंदर जो क्रिप्टो बाय करेंगे उनको नील टैक्सेस, दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है इस गवर्नमेंट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर और भी अपडेट्स है, जैसे कि कनाडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग मेजरमेंट रूल एंड रेगुलेशन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो को लेके प्रोड्यूस्ड, एंड कुछ ही दिन पहले हमें देखने में मिला था कि कनाडा से बाइनांस हट चुका है, तो फाइनली एक डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से। एंड ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो में अगर हम बात करेंगे हर एक कंट्री का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बुल रन की ओर इशारा भी कर रहा है। नेक्स्ट जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे और क्या कुछ चल रहा है, तो जैसे कि देख सकते हो बेलारूस ने अनाउंसमेंट किया है कि क्रिप्टो को पूरी तरीके से बैन करेगा, हर एक क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को बैन करेगा, एंड सिटीजन्स विल ओनली बी अलाउड टू ट्रेड क्रिप्टो थ्रू ऑफिशियल एक्सचेंजेस, मतलब गवर्नमेंट का कुछ एक्सचेंजेस होगा जिसपे कि क्रिप्टो को ट्रैक करेंगे एंड उसी पे यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज मिला के अगर आप देखोगे पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आप देखोगे अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। जैसे कि मैं बता रहा था आपको पेपे कॉइन टॉप मोस्ट गेनर पे, मतलब ये है। तो आने वाले दिनों पे क्या कुछ हो सकता है जिसके ऊपर हम क्लियरली बात करेंगे, तो करंट भी आज आप देख सकते हो 19-20%, 17-18% तक का पंप के साथ ये कॉइन है, मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा था हर एक दूसरे दिन आपको पंप करता हुआ दिख रहा है, एंड मे बी द नेक्स्ट बुल रन पे टॉप गेनर के रूप में यहाँ पर आ सकता है। आज इसका रैंक दोस्तों 63 है, 80 के ऊपर चला गया था, एंड मे बी 63 से 46, उसके बाद 50, उसके बाद 20, इस तरीके से इसका मतलब रैंक भी बहुत अच्छा खासा आगे बढ़ जाए। देख सकते हो दोस्तों बाइनांस का लॉन्च पूल पे नया कॉइन, एंड ये कॉइन दोस्तों पेंडल कॉइन है। BUSD एंड BNB के स्टॉक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, एंड अगर हम बात करेंगे ये 28 जुलाई तक चलेगा इसका जो मतलब अगर हम बात करेंगे स्टेकिंग पीरियड। सो ये कॉइन काफी जगह पे लिस्ट हो चुका है, एंड करंट में अगर आपको अपडेट की बात करूं एंड कुछ कुछ एक्सचेंज पे भी लिस्ट होने जा रहा है, दैट मीन्स प्राइस में भी ड्रॉप हो सकता है। तो इस टाइम आप इस पे एंट्री ना ले, एंट्री लेना है तो थोड़ा बहुत मतलब वेट कीजिए। BYBTR कुछ ऐसे एक्सचेंजेस है जो कि लिस्टिंग ऑनगोइंग है, तो लिस्टिंग एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर प्राइस में ड्रॉप मिले तो आप लेना चाहो तो डेफिनेटली ले सकते हो। सो हम बात कर रहे थे दोस्तों पेपे कॉइन को लेके, आने वाले बुल रन पे पेपे कॉइन का प्राइस क्या हो सकता है? तो डेफिनेटली दोस्तों पेपे कॉइन में इस तरीके से हाइप बना रहा था, इसका प्राइस काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है, 50 से लेके 100x तक का भी प्रॉफिट हमें मिल सकता है अगर डेफिनेटली बुल रन में बिटकॉइन मतलब 60+ 1 लाख के आसपास चला जाता है। तो इस कॉइन में अच्छा पोटेंशियल है, एंड कहीं ना कहीं इलोन मस्क का सपोर्ट एंड
अपकमिंग डेज में इस कॉइन पे अभी कुछ यूटिलिटी फंक्शन नहीं है, मे भी कुछ तगड़ा यूटिलिटी फंक्शन भी यहाँ पर ऐड हो जाए, तो उम्मीद है कि इस कॉइन से भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे दोस्तों फ्लोकी इनू को लेके क्या कुछ चल रहा है, फ्लोकी इनू का क्या मान रहा है, तो फ्लोकी इनू की बात करूंगा दोस्तों। जैसे कि मैं बता रहा था कि फ्लोकी इनू भी वन ऑफ द टॉप गेनर के रूप में हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि फ्लोकी इनू का जो रोड मैप है, जिसके अगर हम बात करेंगे डिटेल में, तो बहुत कुछ रोड मैप पे आने वाला है। एंड अगर हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट भी, फ्लोकी इनू कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है कि छोटे छोटे जगह पे ये एडवर्टाइज कंपेयर कर रहा है, बड़े बड़े जायंट के साथ मिलकर फ्लोकी इनू अपना मतलब खुद का एडवर्टाइज कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि फ्लोकी इनू आने वाले दिनों पे और भी काफी तगड़ा कैंपेन चला सकता है। ऑब्वियसली गेम भी ऑनगोइंग है, एंड इलोन मस्क का कभी कोई ट्वीट आ जाए उसका भी पता नहीं, तो बुल रन के लिए काफी अच्छा तगड़ा मतलब खासा रिटर्न मिल सकता है नेक्स्ट बुल रन तक फ्लोकी इनू में। नेक्स्ट अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर और क्या चल रहा है, तो मतलब बात करेंगे यहाँ पर एलटीसी की, एलटीसी को लेके क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए दोस्तों एलटीसी का प्राइस कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है, एंड अगर बात करोगे 114-115 डॉलर तक भी चला गया था 70-72 से, मतलब ऑलमोस्ट लगभग बात करेंगे 60-70% तक का पंप के साथ है एलटीसी। एंड अभी भी 1 महीना बचा है, एंड 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, प्राइस में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ सकता है, एंड मे बी एलटीसी का हालविंग के बाद और भी इंप्रूवमेंट आ जाए, तो एलटीसी पे डेफिनेटली नजर, एंड एलटीसी पे जब जब मौका मिले प्रॉफिट बुक करते जाइए, एंड जब जब मौका मिले फिर से छोटा मोटा बाइंग बनाते जाइए, क्योंकि एलटीसी का हालविंग एक बार हो गया तो उसके बाद इसमें कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें नहीं देखने मिलेगी। अब बात करेंगे अभी करंट अपडेट की, तो एलटीसी का प्राइस 109 डॉलर 110 डॉलर चल रहा है, तो काफी इंप्रूवमेंट है, एंड अब देख सकते हो मतलब प्रॉफिट लिया भी जा सकता है इस जोन पे है। अब बात करेंगे दोस्तों टेरा लूना क्लासिक को लेके क्या कुछ चल रहा है, तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो टेरा लूना क्लासिक का Q3 पे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कुछ इंजीनियर्स, कुछ नए डेवलपर यहाँ पर इसका ब्लॉकचेन को मतलब बढ़ाने के लिए, या फिर बात करो इसका जो यूटिलिटी फंक्शन को बढ़ाने के लिए जुट रहे हैं, जिससे कि बात कर रहे हैं यहाँ पर ये 6 समुराई भी जिसको कहा जा रहा है। एंड करंट अपडेट की बात करूंगा, जैसे कि बाइनांस ने कुछ ही टाइम पहले 11th बैच बर्निंग किया है 2.65 बिलियन टोकन, तो ये काफी कम है अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइनांस की बर्निंग को, अगर हम देखेंगे पिछले दिनों में जो बर्निंग हुई है उसके अकॉर्डिंग काफी कम है, मतलब बहुत ही कम है। एंड करंट टाइम में अगर टेरा लूना क्लासिक का हाल यही है, मतलब करो या फिर मरो, मतलब इसका जो चल रहा है मतलब बहुत ही कम सर्कुलेटिंग सप्लाई है, बाइनांस का सपोर्ट है लेकिन प्राइस में इंप्रूवमेंट नहीं, क्या रीजन है दोस्तों? मार्केट पे इसको लेके कोई बात एंड चर्चा नहीं चल रहा है इस वक्त, एंड ना ही कोई हाइप बन पा रहा है, एंड अगर हम बात करेंगे बड़े इन्वेस्टर का अटैचमेंट इसके साथ नहीं बन पा रहा है, ना ही बड़े इन्वेस्टर यहां पर आ रहे हैं, जिसके कारण अल्टीमेटली इसका प्राइस आपको ड्रॉप होता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन अगर सही तरीके से कुछ काम करे तो हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर इंजीनियर सही तरीके से कुछ करते हैं, डेवलपर सही तरीके से कुछ प्रेजेंट करते हैं, तो इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है या फिर डेफिनेटली खड्डे में जा सकता है। तो इसका हालत यही है कि करो या फिर मरो, अभी हमें वेट करना पड़ेगा कम से कम 5 से 6 महीने या फिर 1 साल तक की क्या कुछ चल रहा है एंड क्या कुछ चल रहा है, तभी कुछ पता चलेगा। अभी जो इन्वेस्टमेंट है उसी पे रखेंगे एंड नया इन्वेस्टमेंट इस पे नहीं बनाएंगे। सो ये कुछ डिटेल अपडेट्स था दोस्तों पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ करना चाहिए। बाकी दोस्तों मुझे लगता है कि पेपे कॉइन एक अच्छा हाइप के साथ ऊपर जा सकता है एक बुल रन पे। सो आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, बहुत जल्द नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।